person bought 50 pens for rupees 50 each. He sold 40 of them at a loss of 5%. He wants to gain 10% on the whole, then his gain percent on the remaining pens should be. यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें कुल 50 पेन्स हैं और हर एक पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है, जिसमें से 40 पेन्स को सोल्ड कर दिया गया है जिसमें 5% का लॉस हुआ है. अब जो बाकी पेन बचे हुए हैं उसको आपको सोल्ड करना है इस वे में कि टोटल जो अमाउंट है उस पे 10% का गेन हो जाए. ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग. सबसे पहले यहाँ पे हम निकालते हैं 50 पेन्स का पूरा कॉस्ट प्राइस क्या है. तो लिखोगे यहाँ पे सीपी ऑफ 50 पेन्स, तो क्या हो जाएगा, ये 50 पेन्स है, एक पेन का कॉस्ट 50 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2500 रुपीज. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं सीपी ऑफ 40 पेन्स जिनको बेचा गया है, तो ये हो जाएगा 2000 रुपीज. अब इस पेन को बेचा गया है 5% के लॉस पे, इसलिए इसका एसपी क्या आ जाएगा, तो एसपी ऑफ 40 पेन्स जब लिखोगे तो आप लिखोगे 2000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग 100 माइनस लॉस कर देते हैं तो ये आएगा 95 बाई 100. अब इसको डायरेक्ट यूज किया करो प्रॉफिट के लिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और लॉस के लिए 100 माइनस लॉस परसेंट, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस मिल जाता है. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 1900, मतलब उसने 1900 में कुल 40 पेंस बेच लिया है. अब यहाँ पे आपके पास बचे हुए हैं केवल 10 पेंस और टोटल गेन आपको कितना चाहिए, 10%. तो पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के हिसाब से कितना कुल होना चाहिए. सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेंस एट प्रॉफिट ऑफ 10%, ये कितना होना चाहिए, टोटल यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 2500. अब 10% प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस 10 करोगे तो 110 आएगा, तो इससे सीधे आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी 10% प्रॉफिट पे कितना होना चाहिए. जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2750 रुपीज, मतलब उसका जो 50 पेन था जिसको उसने 2500 रुपये में खरीदा था उसको जब 2750 रुपीज में बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता टोटल पे, जिसमें से उसने 1900 रुपीज का 40 पेन्स बेच रखा है 5% के लॉस पे. तो अभी अब आपके पास बचा है केवल 10 पेन्स और उसको बेच के प्रॉफिट उसको 10% का लेना है एज अ होल. तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 10 पेन के लिए कितनी बचती है, तो लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन जो कि उसको बेचना है. तो पहले उसको प्रॉफिट के लिए 2750 में बेचना था, 1900 का वो बेच चुका है तो उसके पास बचा 850 रुपये. ठीक है, अभी इतनी सेलिंग प्राइस उसको चाहिए 10 पेन की. 10 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी ऑफ 10 पेन, ये हो जाएगा 500. ठीक है, अब उसको इसमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 350, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट 350 उसको लेना है 10 पेन पे, तब उसको 850 रुपये सेलिंग प्राइस मिल जाएगी इस 10 पेन की. तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट अमाउंट 350 इक्वल टू सीपी था 10 पेन का 500 मल्टीप्लाई, ये परसेंट आपको बताना है, नीचे कर देंगे 100, इसी को सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा. जो प्रॉफिट परसेंट होगा यहाँ से आ जाएगा 350/5, मतलब 70%. इसको जो आपके 10 बचे हुए पेन होंगे उसको 70% के प्रॉफिट पे बेचेगा, तब उसको टोटल 50 पेन पे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा और उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो टोटल 2750 के बराबर आएगा. इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ. आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.